हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक हम 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था नरेशन। नरेशन में हमने उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, उनके क्या नियम हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे। साथ के साथ इनमें जो रूल्स यूज किए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरेशन का सेकेंड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम दो रूल्स यूज करते हैं। एक होता है जनरल रूल्स और सेकंड होता है स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स जो है हम हर तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। जनरल रूल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो आपको डायरेक्ट स्पीच मिलेगी उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होगी, जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस होगा, उसके पर्सन्स को चेंज करके, उसके टेंसेज को चेंज करके, या फिर उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करके हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे समझते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है चेंज ऑफ पर्सन्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सन फॉर्मूला यूज करते हैं। सन फॉर्मूला, SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। कैसे, आपको पता है डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो है कॉमाज के अंदर होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमाज के अंदर होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो तो या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या फिर सेकंड पर्सन होगा, या फिर थर्ड पर्सन होगा। इतना आपके समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन में हम यूज करते हैं आई माई, सेकेंड पर्सन में यूज करते हैं यू, थर्ड पर्सन में यूज करते हैं ही, सी, इट, दे, देम। इनका यूज किया जाता है। ये ऑलरेडी हम शुरू के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन आपको मिलता है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज में जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कॉमाज से बाहर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज किया जाएगा। सेकेंड पर्सन अगर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये है सन फार्मूला। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वही यहाँ पर बताया गया है, सन का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, नो फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। और ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर स्पीच रहती है, और पर्सन्स जो कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो स्पीच है उसका सब्जेक्ट, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है। दोस्तों, मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ जो आगे आएंगे, लेकिन उनको पहले आपको समझना जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस यूज किया जाता है उसको हम, वो या तो प्रेजेंट टेंस होगा, या पास्ट टेंस होगा, या फिर फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन ये तीनों चेंज हो जाएंगे पास्ट टेंस में। तीनों किस में चेंज होंगे? पास्ट टेंस में। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी इज, एम, आर चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज हैव को हम चेंज करेंगे हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी हैज बीन या फिर हैव बीन को हम चेंज करेंगे हैड बीन में। पास्ट सिंपल टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो हम उसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी वाज वर्ब अगर दिया गया है तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बिन में। तो ये टेंस चेंज करने जरूरी है, ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स में बता देता हूँ, जैसे कैन को चेंज करेंगे हम कुड में, विल को चेंज करेंगे वुड में, मे को चेंज करेंगे माइट में, हैव को चेंज करेंगे हैड टू में, मस्ट को चेंज करेंगे मस्ट टू में, कैन को कुड में। इसके अलावा आपको कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे नाउ,
उसको हम चेंज कर देंगे देन में, टू डे को डेट डे में, हेयर को देयर में, दिस को डेट में, एगो को बिफोर में, टू नाइट को डेट नाइट में, येस्टरडे को प्रीवियस नाइट में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में। या अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है अगर आपको वो मिलती है सैड, तो आप उसको सैड में ही चेंज करेंगे, सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर सिर्फ सैड मिलता है तो उसको सैड लिखेंगे, अगर सैड टू मिलता है तो आप उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे जिसमें हम डेट का यूज करेंगे। तो ये मैंने कुछ रूल्स एडवांस में बताए हैं ताकि आपको जब आप इनके रूल समझे आपको समझ में आ सके। रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम इसमें डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेक करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। तो जब हम ये चेंज करेंगे उसमें हम चेक करेंगे नंबर यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन चेक करेंगे फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है थर्ड पर्सन है, केस चेक करेंगे सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल से चेक करते हैं, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो आई को हम चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही क्या थर्ड पर्सन है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में ही का यूज करेंगे। ही टोल्ड मी डैट ही वॉज रेडी, तो इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे, क्या लगाएंगे डैट। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में और आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ही में, और एम जो कि सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे वॉज, तो ही वॉज रेडी। सेकेंड है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो सन का फार्मूला लगाएंगे 1 2 3। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन है, उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, कैसे ही सेड टू मी यू आर लेट, तो यू क्या सेकेंड पर्सन है, उसको चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है मी। सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा कटाएंगे जिसकी जगह हम डेट का यूज करेंगे, पहले आप ये याद रखिए। उसके बाद कैसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी डैट आई वॉज लेट, यानी सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे डैट का यूज करेंगे, और यू क्या सेकेंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे आई का, और आर को चेंज कर देंगे वाज में, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है वाज मर में। आगे दोस्तों कंडीशन आ जाती है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, श्वेता सैड यू टीच माई सिस्टर, तो यहाँ पर श्वेता सैड इस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जबकि हमने क्या चेंज करना है यू को, यू को किसके अनुसार चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 2 3 सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वही यहाँ पर बताया गया है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि यू को हम चेंज करेंगे आई और ही में सेकंड पर्सन में चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम नहीं रखेंगे, तो आई को हम सिंपल रख देंगे आई या फिर ही, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सैड को हम सेम लिखेंगे सैड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, श्वेता सैड डैट आई टोट हर सिस्टर या फिर ही टोट हर सिस्टर, तो टीच को हमने चेंज कर दिया टोट में। आगे यहां पर बताया गया है कि आप इंडेक्स स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं, यानी कि यू को आप ही में चेंज कर सकते हैं, आई में चेंज कर सकते हैं, उससे पहले आप ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो हिम में चेंज करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं तो आप मी में चेंज करेंगे। तो ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसको दो तरीके से और बताया गया है, यहाँ पर श्वेता टोल्ड हिम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके अनुसार हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे डैट ही टोट हर सिस्टर, तो श्वेता टोल्ड हिम डैट ही टोट हर सिस्टर, श्वेता टोल्ड मी डैट आई टोट हर सिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदल देंगे। एग्जाम्पल समझिए, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया, आई सेड यू आर लेबोरियस,
यू आर लेबोरिस में यू जो है सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा था कि हम आई और ही का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए हम यू को अब फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में। यू को चेंज करेंगे हम थर्ड पर्सन में। तो आई टोल्ड हिम डैट ही वॉज लेबोरियस, तो यू को चेंज कर दिया हमने ही में। या फिर आई टोल्ड हर डैट सी वॉज लेबोरियस। तो रूल नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि अगर रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसमें क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। वही रूल नंबर 3 में बताया है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, यू सेड सी रोट ए लेटर, तो यहाँ पर सी का यूज किया है जो कि थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम इंडेक्स स्पीच में कैसे चेंज करें, यू सेड डैट इनवर्टेड कोमा की जगह आपने क्या लगाया डैट, सी सब्जेक्ट सेम यूज करेंगे, सी का सी, ही होता तो ही यूज करते, दे होता तो दे यूज करते, रोट जो कि सिंपल पास्ट टेंस है उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, रोट की जगह हम क्या लिखेंगे हैड रिटन जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। यू सेड टू मी सी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, तो क्या बनेगा, यू सेड, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड मी, यू टोल्ड मी डैट, डैट किसकी जगह लगाया हमने इन्वर्टेड कोमा की जगह पर, सी वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल, तो सी को हमने सेम यूज किया है, इसकी जगह वॉज का यूज किया है। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज किया गया है, सब्जेक्ट में किसका यूज किया है वी का, और वी किसके लिए यूज किया गया है मानव जाति के लिए, तो हम वी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वी में चेंज नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अगर वी का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए किया गया है तो आप वी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। जैसे दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो इसमें हम सब्जेक्ट वी को चेंज नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, दे सैड को लिखेंगे दे सैड, इन्वर्टेड कोमा की जगह लिखेंगे डैट, उसके बाद वी को सेम लिखेंगे, और फिर पूरा सेंटेंस हम सेम यूज करेंगे, इसमें हम टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ही सेड टू मी वी आर मोर्टल, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर से हम क्या चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह यूज करेंगे डैट का, और फिर सेम यूज करेंगे वी आर मोर्टल। दे सैड वी आर सोशल एनिमल्स, तो सैड की जगह क्या यूज करेंगे, सेम सैड यूज किया जाएगा, सैड टू की जगह टोड यूज करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सैड है तो सैड को सैड यूज करेंगे। दे सैड डैट, डैट वी इन्वर्टेड कोमा की जगह यूज करेंगे, वी को सेम यूज करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम सेम यूज करेंगे वी आर सोशल एनिमल्स, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको सेंटेंस मिलता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ना उसका आप सब्जेक्ट के चेंज करेंगे, ना आप उसका वर्ब चेंज करेंगे, ना आप उसका टेंस चेंज करेंगे। रूल नंबर 4 है जिसमें बताया गया है, अगर डायरेक्ट स्पीच में किसके बारे में बात की गई हो, मैगजीन के बारे में या फिर न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है तो उसके एडिटर जो है अपने लिए वी अस अवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट, तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या एक न्यूज़पेपर है जो अपने लिए अवर का यूज करते हैं। जब हम इनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो अवर को हम चेंज करेंगे इट में, इट में या फिर इट्स में, और सन फार्मूला के मुताबिक फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये एक इट का काम करता है, तो ये एक थर्ड पर्सन का काम करता है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे ही सी इट का, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम इसकी जगह इट का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया सेज डैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे डैट, सेज को हम सेम यूज करेंगे सेज।
आवर को हम चेंज कर देंगे इट्स में, तो आवर ऑफिस चेंज हो जाएगा इट्स ऑफिस में, फिर बाकी सेंटेंस सेम यूज किया जाएगा, इसमें वर्ब को भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए मैगजीन और न्यूज़पेपर में क्या कंडीशन लगती है। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हिंदुस्तान सेज वी सेल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडेज पेपर, तो इसको चेंज करेंगे द हिंदुस्तान सेज डैट, वी को इट में चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस सेम, इट विल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन इट सैटरडेज पेपर, तो यहां पर आवर सैटरडे को भी इट सैटरडे में चेंज किया है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, जिसमें यहां पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल को पढ़ते हैं समझते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आप इस टेबल के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप सन फार्मूला याद रखिए, सन फार्मूला क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। पहले आप ये टेबल समझिए, टेबल में क्या दिया गया है, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, पोजेसिव केस माई और माइन होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोजेसिव प्रोनाउंस होता है माइन। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज किया जाता है, जैसे माई अकेला कभी यूज नहीं होगा, इसके साथ क्या लगा मिलेगा नाउन, जैसे कि माई कार माई हाउस, और पोजेसिव प्रोनाउंस बिना नाउन के यूज किया जाता है, इसको अकेले यूज कर सकते हैं, जैसे माइन, इसके साथ किसी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। तो यह है सिंगुलर। अब प्लुरल में नॉमिनेटिव केस बनेगा फर्स्ट पर्सन का वी, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा अस, और पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा आवर, और पोजेसिव प्रोनाउंस बनेगा आवर्स। अब सेकंड पर्सन को देखते हैं, सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, लेकिन इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा योअर और पोजेसिव प्रोनाउंस रहेगा योअर्स। तो यह सेकंड पर्सन। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ये सब क्या नॉमिनेटिव केस है, हिम हर इट देम ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, हिज हर इट्स देयर ये सब क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज हर्स इट्स का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है लेकिन देयर्स का है, तो ये सब क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब इस टेबल से कैसे याद करेंगे, फर्स्ट पर्सन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सपोज करो कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई दिया गया है, फर्स्ट पर्सन क्या दिया गया आई, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या दिया गया थर्ड पर्सन, तो आई अगर दिया गया आई क्या हुआ नॉमिनेटिव केस, तो थर्ड पर्सन के जो नॉमिनेटिव केस है वही हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन मी है थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो हम क्या चेंज करेंगे यू, दोनों में यू सेम रहता है। तो आप समझे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, उनको हम सन के अनुसार चेंज करेंगे, और सन में हम चेक करेंगे नॉमिनेटिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है पोजेसिव केस है, नॉमिनेटिव केस के अनुसार हम ये यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार ये वर्ड्स यूज करेंगे, और पोजेसिव केस के अनुसार हम ये यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, बिना सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, और इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज करेंगे डैट का, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है बिन है, तो बिन है क्या थर्ड पर्सन है, तो हम इसकी जगह ही का यूज करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस है तो ही सब्जेक्टिव केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे, एम की जगह इज का यूज किया जाएगा, तो बिना टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड, माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू, तो माई ब्रदर टेल्स मी डैट ही लव्स मी, तो आई को हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है, सब्जेक्ट क्या है माई ब्रदर, तो उसकी जगह हम क्या इसका यूज करेंगे ही का। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई हेल्प यू, तो ही टोल्ड मी डैट ही हेल्प यू, तो आई की जगह हमने क्या लगाया ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज ऑफ टेंस के रूल्स पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जी जान लगा कर पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।